अच्छा, मैंने उनको कह दिया कि आप देर मत करें और जल्दी से आ जाएं, और जो बात दरबानी की अलामी तय पानी थी उसे अंगूठी पहना कर पका कर लें। फिर क्या कहा उन्होंने? अम्मी तो कह रही थी कि उनका बस चले तो वो उड़ के आ जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अभी पर अरेंज नहीं हो पा रहे, तो वो कुछ दिनों में आएंगी तुम्हारे लिए ताइफ लेकर। अच्छा, शर्माई लो। मैं क्यों शर्माऊं उस बात पर? और मुझे तो लगता है कि मैं जिंदगी भर तक नहीं शर्माऊंगी तो झूठी मूठी एक्टिंग करने को। अच्छा, ये तो वक्त आने पर देखेंगे। यार कमाली, एक जबरदस्त आइडिया आया है। दादी जान के घर की डेकोरेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हम ले लेते हैं, बहुत मजा आएगा। ऐसी सजावट करेंगे कि वो लोग दाद दिए बगैर रह नहीं पाएंगे। मुझे लगता है ये मजा सिर्फ तुम्हें अकेली को आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा। हैं? क्यों? कैसे दोस्त हो तुम? मेरी मदद नहीं करोगे? मैं बिल्कुल वैसा दोस्त हूँ जैसी तुम मेरी दोस्त हो। क्या तुमने मेरी मदद की थी जबकि तुम अच्छी तरह जानती थी कि मेरी जिंदगी की नाव बीच भंवर में फंसी हुई? हाय अल्लाह, फिर ये नाव। कमाली, तुम्हारे दिमाग से ये आरजू नाम का कीड़ा कब निकलेगा? कमाली, इसमें रोने की क्या बात है? हेलो, क्या हो रहा है? हेलो, लगता है कोई अहम मसला डिस्कस हो रहा है। शुक्र है बाबर, तुम आ गए। अच्छा सुनो कमाली, सुनो, रो मत प्लीज। देखो, हमारी फैमिली का ना सबसे इंटेलिजेंट और सबसे अकलमंद इंसान इधर आ गया, ये तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा पक्का। ये वाला से बात कर लो। हाँ हाँ, बस मैं यूं गई और यूं आई। हाँ बाबर भाई, बाबर भाई, अल्लाह जानता है किसी से आपने इतनी मोहब्बत नहीं की जो मोहब्बत आपने आरजू जी से की। अल्लाह की कसम, मेरी बात सुने, इधर ऊपर आए, बात सुन। ये लड़की का मसला है ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आरजू जी क्या, मैं तो उनकी सहेलियों को भी मना लूंगा शादी के लिए। लेकिन बाबर भाई, हमें तो सिर्फ आरजू जी ही चाहिए ना, सिर्फ आरजू जी। अच्छा कमाली, हाथ तो छोड़ो। और बाबर, जितना हल्का तुम इस मसले को ले रहे हो उतना हल्का ये मसला नहीं है। पहले देखो, हमें आरजू को मनाना पड़ेगा। जी, आरजू जी को। अच्छा, आरजू जी को मनाना पड़ेगा, उसके बाद कमाली की जो जालिम अम्मा है उनको किसी तरह राजी करना पड़ेगा, और फिर जो ये खाला की खूनख्वार बेटी है इसको किसी तरह रास्ते से हटाना पड़ेगा। बाबर भाई, बाबर, इनकार मत कीजिए। कमाली भाई, वादा किया, अब कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटूंगा। थैंक यू बाबर भाई, कह रहे हैं पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू। बसो पड़ोस का फंक्शन खत्म हो जाए, फिर चलते हैं आजू जी के घर। मैं भी चलूंगी। नहीं, परी तुम क्या करोगी उधर जाके? हैं एक घर पे बैठ के टीवी वगैरह देख ले। बाबर भाई संभाल लें, रिलैक्स। अच्छा ना, माफ कर दें, ले चलेंगे, वैसे भी घर रह कर बोर हो जाती है। बाबर भाई, चले सिर्फ आपकी खा, ठीक है? मैं मान लेता हूँ। चलना भाई तुम भी, लेकिन कोई घपला किया ना तो। अरे जब मेरे रास्ते के सारे कांटे हट सकते हैं तो मैं तुम्हारे रास्ते में आने वाली भी हर दीवार को तोड़ दूंगी। कौन से कांटे और कौन से रास्ते? अरे हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं है बाबर। लेकिन आरजू जी की हर बात तो बताई जा सकती है। लेकिन ये बात आरजू जी की नहीं, परी जी की है। परी।